dear students, in this topic we shall discuss what are triads and the membrane receptors in these triads. dear students, in a skeletal muscle fiber, a t-tubule is associated with two terminal cisternae of sarcoplasmic reticulum on its both sides. Ye jo arrangement hai, जिसमें के तीन ट्यूब्स या सेक्स इकट्ठी एक, एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड हैं, दिस फॉर्म्स ए स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड ए ट्राइएड। एट दीज आर लोकेटेड एट जंक्शन बिटवीन ए एंड आई बैंड ऑफ सार्कोमियर जहां पर ए और आई बैंड जो है वो ज्वाइंट कर रहे हैं बिल्कुल उसी जगह के ऊपर ही ये ट्राइड पाए जाते हैं स्केलेटल मसल फाइबर के पास इस तरह के हजारों टायर्स मौजूद होते हैं जो कि जब हम मसल का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काटते हैं तो उसमें विजिबल होते हैं स्टूडेंट्स फॉर्म द एनेटोमिकल बेसिस ऑफ एक्साइटेशन कॉन्ट्रेक्शन कपलिंग ड्यू टू विच स्टिमुलस एक्साइट्स द मसल एंड कॉजेज इट्स कॉन्ट्रेक्शन Triads में टी ट्यूब्यूल्स और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैटिकुलम की जो क्लोज एसोसिएशन है उसकी वजह से टी ट्यूब्यूल में एक्शन पोटेंशियल सार्कोप्लाज्मिक कैटिकुलम पर इफेक्ट करता है और उससे कैल्शियम आयंस की रिलीज करवा लेता है डियर स्टूडेंट्स देयर आर स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर्स इन दिस रीजन Which are involved in the release of calcium ions. These specialized channel proteins in the membrane of sarcoplasmic reticulum are known as ryanodine receptors. When these ryanodine receptors open, calcium ions are released from the sarcoplasmic reticulum. उ वी शैल डिस्कस दी मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग ऑफ राइनोडीन रिसेप्टर रायनोडीन रिसेप्टर ओपन जब टी uh, ट्यूब्यूल में एक्शन पोटेंशियल आता है तो वो इफेक्ट करता है रायनोडीन uh, रिसेप्टर्स को कि वो ओपन हो लेकिन इस ओपनिंग के लिए जो मैकेनिज्म है वो ये है कि टी ट्यूब्यूल की मेमब्रेन में एक रिसेप्टर है जिन्हें कहते हैं डाईहाइड्रोपायरिडीन रिसेप्टर्स। ये रिसेप्टर्स एक्चुअली प्रोटीन्स का एक क्लस्टर है और ये जो क्लस्टर है ये वोल्टेज सेंसिटिव प्रोटीन्स का क्लस्टर है और ये रिसेप्टर्स उस वक्त एक्टिवेट होते हैं जब टी टीब्यूज में एक्शन पोटेंशियल मौजूद होता है जब एक्शन पोटेंशियल टी, -टी में होता है तो डाइहाइड्रोपायरिडीन रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं जिसका मतलब यह है कि यह अपनी कॉन्फर्मेशन को चेंज करते हैं इन दिस डाइहाइड्रोपायरिडीन रिसेप्टर्स फिजिकली इंटरेक्ट करते हैं या मैकेनिकली इंटरैक्ट करते हैं विदनोडीन रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन ऑफ टर्मिनल सिस्टम ऑफ रेटिकुलम एज ए रिजल्ट ये इन राइनोडीन रिसेप्टर्स की कंफर्मेशन को भी चेंज करते हैं यहां पे हम देख सकते हैं कि एक ट्रायड में दोनों जो एक दूसरे के साथ क्लोजली एसोसिएटेड हैं, उनमें से जो टर्मिनल सिस्टर्नी की मेम्ब्रेन है उसके पास राइनोडीन रिसेप्टर्स हैं, जबकि टी ट्यूब्यूल की मेम्ब्रेन के पास डाइहाइड्रोपायरिडीन रिसेप्टर्स हैं दोनों की क्लोज प्रोक्सिमिटी की वजह से जब डाईहाइड्रोपरिडीन रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं तो ये मैकेनिकली स्टिमुलेट करते हैं रैनोडीन रिसेप्टर्स को जो कि एक्टिवेट होते हैं तो इसके नतीजे में ये ओपन हो जाते हैं और इनकी ओपनिंग की वजह से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम आयंस रिलीज होना शुरू होते हैं द रिलीज ऑफ कैल्शियम आयंस कॉजेज द कॉन्ट्रेक्शन टू हैपन